सर अगला अगला समझाइए। आपका कैमरा बिल्कुल भी ऑफ नहीं होना चाहिए कृष्णा। ओके यस ऑफलाइन वाली बटालियन हो गया आप लोग का। यस सर दो जन का बाकी है, दो जन का बाकी है बस। हो गया ठीक है सर। आपने सर हम लोग 50+2 किया वैसा है अगला सर। वाह 50+8 द होल क्यूब आएगा। ऑफलाइन वाली बटालियन तो फुल एंजॉयमेंट है। Yes guys. Yes sir. क्यों इतनी हंसी आ रही है सब लोग को? सर यहाँ पे स्पीड ऑन करो। सर उनको वीडियो अच्छा आप लोगों का फोर्थ सम है 58 द होल क्यूब यही है ना? यस यस। लेकिन थर्ड सम इसके बाद वाला सम भी ऐसा ही है कुछ। मैं ये वाला सॉल्व कराऊंगा, आप लोग को ये होमवर्क करना है। इजी है, मैं थोड़ा बड़ा वाला नंबर सॉल्व करा रहा हूँ, ये छोटा है इसलिए आपको होमवर्क करना है, बट समझ लो कैसे करना है। अच्छा 5.2 में ये 3 है ना, 5.2 में हमने ऐसे वाला जब नंबर आया था तो हम लोग ने इसको a प्लस बी में कन्वर्ट किया था, a प्लस बी द होल क्यूब वाले फॉर्मेट में। जब इसको a प्लस बी द होल क्यूब वाले फॉर्मेट में हम लोग ने कन्वर्ट किया था तो ये नंबर अगर 5.2 में होता, मतलब 5.2 में ये क्वेश्चन होता तो कैसे होता? 58 हम लोग, अच्छा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ क्या था। 52 था ना, कुछ ऐसा ही नंबर था ना, वो वाला एग्जांपल लेता हूँ। 52 द होल क्यूब ऐसा कुछ तो था, तो हम लोग ने इसको कैसे लिखा था गाइस? 50+2 द होल क्यूब, राइट? yes. याद आ रहा आप लोग को? yes. 50+2 द होल क्यूब हम लोग ने लिया था तो ए भी मिल गया, प्लस भी है, बी भी है और होल क्यूब भी है, फिर इसको हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया था हमारे फॉर्मूले। अच्छा सुनो बीच में मत बोलो। कैसा है कि अभी हम लोग 5.3 में हम लोग एक नया फॉर्मूला हम लोग को देखने के लिए मिला, नया फॉर्मूला इन द सेंस वहां पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है। माइनस के लिए हम लोग को पैटर्न थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, प्लस में तो नहीं कर सकते। जैसे अभी कृष्णा ने बोला 58 को, क्या बोला था कृष्णा आपने 58 को? 50+8 राइट, चलो 50+8 बोला था कृष्णा ने,
अब ये 50 का तो चलो ठीक है, ये 50 तो हम लोग कैसे ना कैसे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ये 8 जो है ये काफी बड़ा नंबर है, तो ये जितना बड़ा नंबर होगा उतने हम लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होंगी। यहाँ पर 2 है, इसके लिए हम लोग को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ पर 8 है तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होनी ही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे पता है, 58, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, दिख रहा है ना हम लोग को वहां से, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 60 - 2 द होल क्यूब। यस ना, 60 - 2 क्या होगा, 58 ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखो a माइनस बी फॉर्म में भी है, होल क्यूब भी है और छोटा नंबर भी है, ये क्यूब भी इजीली मिल जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। यस सर, यस सर। अभी 198 है, इसको कैसे लिखेंगे कौन बताएगा सर, कृष्णा, 200 - 2 द होल क्यूब। एक्सीलेंट कृष्णा, एकदम बढ़िया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 200 - 2 द होल क्यूब, ए भी है माइनस बी है बी भी है और होल क्यूब भी है, ये मैं कुछ ये करा रहा हूं अभी, कौन सा समय है फोर्थ ना, ये फिफ्थ सम है, तो फिफ्थ सम में भी करा रहा हूं, आप लोग फोर्थ सम खुद से ट्राई कर लो, 198 द होल क्यूब को हम लोग ने कन्वर्ट किया तो हम लोग को क्या मिला, यहाँ पे जगह कम हो रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ एडजस्ट करके, 198 को हम लोग ने कैसे लिखा था, 200 - 2 द होल क्यूब है ना। यस गाइस, ऑफरिंग बटालियन समझ रहे हो, अच्छा चलो, व्हाट इज ए, ए क्या है अपना, ए है अपना 200 और बी है अपना 2 माइनस 2, ए और 2, अरे माइनस कैसे बाबा, इधर भी माइनस है ना, तो सेम होगा, माइनस कैसे आएगा, अभी ए और बी मिल गया, अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है और क्या, सिंपल, चलो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अच्छा ए क्यूब, व्हाट इज ए, 200, तो मतलब 200 द होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए है अपना 200 तो 200 द होल स्क्वायर इंटू बी, बी है अपना 2 तो यहां पर भी 2 प्लस 3 इंटू ए, ए है अपना 200, बोलो क्या, अच्छा मुझे नहीं, ओके ठीक है, कहां तक भूल भी गया मैं, ए 3 इंटू ए, ए क्या है 200 इंटू बी स्क्वायर, बी है अपना 2 तो 2 द होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब, बी है अपना 2 तो 2 द होल क्यूब। अरे गाइस आप लोग हो ना मेरे साथ में कि अपने ही दुनिया में हो, सर बोल रहे उनके दुनिया में, यस बोल रहे। अरे चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सर चलो आगे बढ़ते हैं, आगे 200 तो होल क्यूब, अभी आधे लोग ये 200 देख के डर गए होंगे, देखिए मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया था, सिंपल मेथड, अच्छा 200 तो होल क्यूब मतलब क्या होगा, 200 × 200 × 200 राइट, हाँ तो व्हाट इज 2 2 = 4 4 2 = 8 कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर भी लिख दो 1 2 3 4 5 6 इजी मेथड है, कुछ दिक्कत तो आपको डरने सारी नंबर को देख के डरो मत, आगे बढ़ते हैं माइनस, अच्छा ये 200 द होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 भी अकेला है 3 भी अकेला है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 = 6 600 द होल क्यूब, नहीं सॉरी द होल स्क्वायर,
थ्री टू जा सिक्स अब 200 द होल स्क्वायर 200 द होल स्क्वायर मतलब 200 इनटू 200 व्हाट इज 2 2 जा 4 1 2 3 4 आगे बढ़ते हैं प्लस अच्छा थ्री अच्छा व्हाट इज 2 स्क्वायर 2 square 4 4 4 3 4 3 12 12 और ये 200 पर लोग एज इट इज लिखते 2 क्यूब क्या होता है सर ऐसा भी कर सकते हैं 3 into 2 6 into 2 ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हम लोग ने फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे इजी होगा ना वैसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ तक किसी को कोई डाउट है No. आगे बढ़ते हैं अभी 1 2 3 4 5 6 माइनस अभी 6 इंटू ये करना है आपको 6 4 24 24 एग्जाम में गड़बड़ की ना आप लोगों ने फिर देखा प्लस 12 into 200 200 2 0 0 2 0 0 2 2 4 2400 2400 करेक्ट अच्छा माइनस 8 चलो अभी ये खुद कैलकुलेट करके बताना मुझे सर माइनस पहले क्या करो पता है पहले ये दोनों को माइनस करो ये दोनों को माइनस करने के बाद फिर 8 को माइनस करो और फिर इससे प्लस करो सर 2 मिनट रुको बस करो सॉल्व ये सॉल्व करो Yes, guys, solve कर रहे हो ना
सर मैंने 80 लाख माइनस 2,40,000 किया, माइनस 8 भी करना है, और ऑब्वियसली ना ये भी तो है नंबर, ये थोड़ी है, पहले ये दोनों माइनस करना है, फिर इसको माइनस करना है, फिर इसको प्लस करना है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, दो मिनट रुको, कर दिया। देख के बोल रहे हो, वो भी रॉन्ग बोल रहे हो, 9-2 है वो, 3 नहीं। देखो मैंने किया है सॉल्व, सबको ही आया? यस यस सर, सर मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले ना आप लोग ये करोगे 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले आप लोग इसको इससे माइनस करोगे ना तो आपको ये वाला नंबर आएगा, ये नंबर आएगा, सर, और उसके बाद में आपको ये माइनस करना है, इसके बाद में ये प्लस करना है, तो फाइनल आंसर होगा आपका 7 7 6 2 3 9 2। अच्छा हम लोग ने इसको 200 - 2 3 किया था ना, लेकिन हम लोग ने ए प्लस बी पैटर्न में कन्वर्ट किया था, लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है 198 ना, तो 198 द होल क्यूब इज इक्वल टू 7 7 6 2 3 9 2, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। सर मैंने जो पहले आंसर बोला था वो 80 लाख माइनस 2,40,000 का था ना, क्या बोल रहे हो आप गाइस, मिला आप लोग को, कम ऑन रिस्पॉन्स। यस सर मिला, ऑफलाइन बटालियन, ऑफलाइन बैटालियन एक्शन, लिख रहे हो कि रफ कर दू? लिखो लिखो, लिख लिया सॉरी। सर मैं आपको 6 सम बताऊं, 2 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
आप लोग का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4। और आप लोगों को क्या करना है पता है, a प्लस बी द होल क्यूब और a माइनस बी द होल क्यूब, ये दोनों भी आपको 10 बार लिखना है। इतना चौको मत, सिर्फ ये लिखना है, ये पूरा डेरिवेशन लिखने नहीं बोल रहा हूँ। पूरा डेरिवेशन दे दूँ क्या?
नहीं सिर्फ ये लिखना है, वो एग्जाम में नहीं आएगा, वो क्यों दूंगा आप लोग को, ये 10 बार लिखना है और ए प्लस बी वाला भी 10 बार लिखना है। बस ये भी लिख दूंगा, रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको 10 टाइम्स लिखना है और ए प्लस बी वाला भी 10 टाइम्स लिखना है और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। Yes, I will do it. You have to. Option नहीं है. Okay, guys, bye bye. We'll continue next lecture. हो गया? सर सिखाना और एक सम. सर सिखाना. नहीं नहीं आगे का सम थोड़ा बड़ा है तो वो नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे गाइस। ओके बाय बाय। फाइन बटालियन जोर से नहीं आया कृष्णा ने बोला। यस सर व्हाट सुनाई नहीं।